दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के पास ऑलरेडी पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो आज आपका शायद जवाब ये होगा, भाई तू ये कौन सी बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारत के पास आज नहीं बल्कि आज के कई साल पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल हो चुकी थी। और आज की इस वीडियो में भारत की उस हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भारतीय सेना में शामिल है। वीडियो आज की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, भारत के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, उस मिसाइल की स्पीड 5 या 6 मैक नहीं बल्कि 7.5 मैक स्पीड बताई जाती है। इतनी स्पीड की यकीनन दोस्तों दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल को मार के नहीं गिरा सकता। लेकिन दोस्तों, इसके साथ एक कंडीशन लगी है जो कि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बस पहले दोस्तों इस मिसाइल के बारे में आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, 10 मीटर लंबी भारत की ये जो मिसाइल है, इसका नाम है हाइपरसोनिक सौर मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, हाइपरसोनिक नाम इसका जो कि आधिकारिक नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसकी स्पीड हाइपरसोनिक मिसाइल के बराबर है, इस वजह से मैंने यहाँ पे हाइपरसोनिक सौर मिसाइल इसे कहा। अभी आपका सवाल होगा, भाई इस मिसाइल की स्पीड 7.5 मैक तो नहीं है। तो आज आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा कि इस मिसाइल की स्पीड 7.5 मैक कब है। सबसे पहले दोस्तों, ये मिसाइल अपने साथ लगभग 200 किलोग्राम से लेके 1000 किलोग्राम तक के वारहेड को लेके जा सकती है। और दोस्तों, इस मिसाइल का फ्लाइट एल्टीट्यूड लगभग 50 किलोमीटर है, यानी कि दोस्तों 50 किलोमीटर ऊंचाई तक ये मिसाइल बहुत ही आसानी से वार कर सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मिसाइल की रेंज कितनी है, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि दोस्तों ये हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे हो गई। तो दोस्तों, इस मिसाइल की जो रेंज है वो 700 किलोमीटर से लेके 1900 किलोमीटर के बीच में है। जैसे जैसे आप इसका वारहेड बढ़ाओगे, उसके साथ साथ इसकी रेंज कम होती जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 1900 किलोमीटर के आसपास है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये 7.5 मैक स्पीड को कब अचीव करती है। तो दोस्तों, जब इस मिसाइल को आप फायर करोगे, उस समय इस मिसाइल की स्पीड लगभग 3.5 मैक के आसपास होगी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद ये आसमान में जाती है और वहां से दुश्मनों की तरफ जब गिरती है, तब इस मिसाइल की स्पीड लगभग 7.5 मैक के आसपास होती है। इसलिए दोस्तों, इसे हाइपरसोनिक सौर मिसाइल भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि इस मिसाइल के निकलते ही उसे मार के गिरा देगा। जब ये मिसाइल किसी दुश्मन के देश में गिरेगी और गिरते समय वो देश इस मिसाइल को मार के गिराएगा, लेकिन उस समय इस मिसाइल की जो स्पीड है लगभग 7.5 मैक यानी कि 9190 किलोमीटर पर हावर्स की हो जाएगी। इसकी एक्यूरेसी भी दोस्तों काफी अच्छी खासी है, 20 से 25 मीटर के बीच में इसकी एक्यूरेसी बताई जा रही है। यानी कि दोस्तों, अगर आपने ठीक ठाक घर पर गिराया तो ये घर के एक कोने से दूसरे कोने पर भले ही गिर जाएगी, पर दूसरे घर पे जाकर नहीं गिरेगी। यानी कि दोस्तों, 20 मीटर आप बिल्कुल समझ सकते हो ज्यादा नहीं होता है, और 20 मीटर में ये बिल्कुल एक नंबर की एक्यूरेसी के साथ गिरेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, ये किस टाइप की मिसाइल है। दोस्तों, ये कैनेस्टर बेस्ड मिसाइल है, यानी कि दोस्तों आप इसे एक ट्रक में माउंट करके कहीं भी ले जा सकते हो, और खासकर पहाड़ी एरिया में इस मिसाइल को ले जाना बहुत ही ज्यादा आसान है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि भारत चाइना बॉर्डर में जो पहाड़ी एरिया पड़ता है, वहां पर हमें जो वारहेड ले जाने पड़ते हैं, खतरनाक मिसाइलें ले जानी पड़ती हैं, जो कि हमारी अग्निश्रीज की मिसाइलें हैं, उन्हें ले जाना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। हालांकि दोस्तों, अब जो अग्नि प्राइम मिसाइलें बन रही हैं, उन्हें ले जाना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि वो कैनेस्टर बेस्ड मिसाइल है और दो फ्रंट वार के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छी साबित होंगी। कब पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, कब चाइना से युद्ध हो जाए, तो ऐसे में दोस्तों इन्हें एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से ले जाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपका क्या मानना है भारत की हाइपरसोनिक सौर मिसाइल को लेके, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।